अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मानक निज़ामानी। हमारी आज की वीडियो जो है डॉलेंस का रेफ्रिजरेटर 9191WB इन्वर्टर ग्लास डोर के बारे में है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हमने इस फ्रिज का टूटा हुआ जो दरवाज़ा था रेफ्रिजरेटर का, वो कम खर्च में रिपेयर किया। सबसे पहले हम इसकी जो एजेस टूटी हुई हैं उसके लिए फाइबर के पीस बना के यहाँ पे चिपका रहे हैं। तो हमारी एजेस जो हैं अब तकरीबन बन चुकी हैं, तो पहले नीचे की जो कॉर्नर है वहाँ पे लगाएंगे, और उसके बाद ऊपर वाले कोने में एक पीस चिपकाएंगे ताकि ये जो गैप है वो फिल हो जाए। अब हम इसके पूरे दरवाजे के ऊपर सॉल्यूशन लगाएंगे ताकि इसके ऊपर शीट चिपकाई जाए, और अब हम लगा रहे हैं शीट के ऊपर सॉल्यूशन। और इन दोनों को आपस में अच्छी तरह मिलाने के लिए ज़रूरी है कि दोनों के ऊपर आप सॉल्यूशन फैला के दोनों को ड्राई कर लें। तो ऑलमोस्ट ये हमारी सॉल्यूशन पूरे सरफेस के ऊपर फैल चुकी है। अब हम इसको दरवाजे के ऊपर लगाएंगे। देख रहे हैं कि चारों कॉर्नर्स को मिला के हमने सफाई से इसको प्रेस किया है, और ये आपस में बिल्कुल अच्छी तरह चिपक चुके हैं। अब कोई टूटा हुआ शीशा नज़र नहीं आ रहा। तो नीचे वाले दरवाजे के बाद अब हम ऊपर वाला पीस काटेंगे, और जल्दी जल्दी से वीडियो को हम मुकम्मल करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आखिर में हम क्या करेंगे, इसकी सफाई करेंगे। जो एक्स्ट्रा एजेस बाहर निकली हुई हैं उनको इस कटर से काटेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। कोई सजेशन है तो कमेंट में लिखें। तो सबसे आखिर में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये दरवाज़े की हालत थी पहले, और शीट लगाने के बाद ये इस तरह बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वंस अगेन लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।